आश्रम में हमेशा आता रहता हूँ। उनके परिवार ने जो यहाँ के बच्चों को एजुकेशन, हेल्थ और धर्म विदेशों में रह करके साल में दो तीन बार आते होंगे, पर यहाँ के राजस्थान का, यहाँ के बच्चों का, इस एरिया के पूरे बच्चों का, उनकी हेल्थ का, एजुकेशन का जो वो योगदान कर रहे हैं, पूरे राष्ट्र के अंदर लोगों को उनको सीख लेने की ज़रूरत है। जिसमें ना को पॉलिटिक्स है, ना को इसमें मतलब है, एक ही है जो भगवान महावीर जी ने रास्ता दिया था, मानवता। मानवता की सेवा किस रूप में कर सकते हैं। तो मैं बड़ा आभारी हूँ, आज उनका बनाया हुआ कॉलेज महावीर जैन जी मुझे लेके गए, स्टूडेंट को मिलके आया, स्टूडेंट के अंदर एक नया जोश, एक नई शक्ति, एक नई ताकत। अभी लॉ कॉलेज भी बनाने वाले हैं, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे यहाँ के बच्चे इस एरिए का, पूरे सिंधी परिवार की एक मेहनत से, भगवान महावीर की कृपा से, यहाँ के बच्चों का फ्यूचर बहुत और आगे होगा। और सरस्वती माता जी के मैं हमेशा यहाँ जब आता हूँ, दर्शन करता हूँ, उनके भी दर्शन करके जाता हूँ, तो वो भी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करने वाला हूँ कि सड़कों का अच्छी तरह निर्माण किया जाए, उसको जोड़ा जाए। कोई हरिद्वार में लोग जाते हैं, कोई कहीं और जाते हैं, यहाँ लोग आएँ, दर्शन भी करें, भगवान के चरणों में भी जाएँ। तो मैं ये भी कोशिश करूँगा जाके जल्दी इसको। अब बिल्कुल नहीं, जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं बहुत हमारे बोझ कम हुए। आगे जवान की जो शहादत होती थी, उनके परिवार को पूछता नहीं था, उनको कोई राशि नहीं दी जाती थी, उनका बच्चों को नौकरी नहीं दी जाती थी। तो हमने कारगिल के युद्ध के टाइम पे संघर्ष शुरू किया था, पार्लियामेंट में संघर्ष शुरू किया था, जब अटैक हुआ था, जब सरकारें उनको देती थी कोई 2-3 लाख देती थी, है ना, बॉडी की कीमत लगाती थी। हमने सरकारों को जगाने के लिए उस वक्त 5-5 लाख की शुरुआत की थी। आज भगवान की इतनी कृपा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, पहली बात तो शहादतें बड़ी कम हुई हैं, किसी की शहादत ना हो। 1-1 करोड़ रुपए की राशि सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 1 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट देती है, उनको नौकरी, उनकी शादी, हर चीज़ का करते, तो हमारा बोझ इससे बड़ा कम हुआ है। और टेररिज्म पूरे हिंदुस्तान में पिछले 300